इस दिवाली गुरुदेव आश्रम आ रहे हैं वो एक हफ्ते पहले ही पता चला था। ये खबर सुन के सब में खुशी की लहर फैल चुकी थी, मानो ये सपना हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि गुरुदेव 2 साल बाद गुजरात आ रहे थे। गुरुदेव के आने के बहुत कम दिन बचे थे, इसलिए अभी रात को भी काम चल रहा है। आश्रम में सफाई का काम और सब तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से लिमिटेड लोगों को ही सेवा करने के लिए मौका मिला था। अभी सब डेकोरेशन एंड लाइटिंग का काम चल रहा है। अभी सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, इसीलिए अभी सब उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं। शंकर भाई और अंकित जब बैरिकेड लगा रहे थे तब बैरिकेड ऊपर लगे 700 वॉट बिजली के तार से टकरा गया और तार को छूते ही दोनों दूर तक गिर गए और सबको लगा कि दोनों नहीं रहे। आसपास में गांव वाले भी आ गए, लेकिन देखा तो दोनों को एक खरोच भी नहीं आई थी। अनेक जन राम भाई छे, किशन भाई छे, हम तो भगवान भगवान ज हता, पण तई जाई अलग चमत्कार थई गयो। ने मारु नाम शंकर। अभी सारे लोग आश्रम के पाथवे की सफाई में लग चुके हैं और मानो कितनी भी सेवा करे लेकिन थकान ही नहीं लग रही थी, क्योंकि 2 साल का गुरुदेव से मिलने का इंतजार जो खत्म होने वाला था। गुरुदेव अभी गुजरात में आ चुके हैं और ये आखिरी दिन है। कल गुरुदेव आश्रम में होंगे और अभी से पूरे आश्रम में सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है और आश्रम मानो वृंदावन जैसा हो चुका है। अभी यहाँ पे शक्ति कुटीर का डेकोरेशन चल रहा है। अभी सारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और सब बस कल गुरुदेव के आने का इंतजार कर रहे हैं। सेवा करने से फल क्या मिलेगा ये मत सोचना, सेवा ही फल है। सेवा करने का एक मौका मिला, यही फल है। तो इसका फल यदि और कुछ हो तो आनंद ही है, आनंद के अलावा और कुछ नहीं, आनंद ही इसका फल है। Me too. Follow us on social media.